दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को अहम फैसला देते हुए कहा है कि राज्य आरक्षण के लिए एससी एसटी समुदाय में भी कैटेगरी बना सकते हैं। कोर्ट यह फैसला इसलिए लिया है ताकि एससी एसटी में आने वाली कुछ जातियों को बाकी के मुकाबले आरक्षण के लिए प्राथमिकता दी जा सके। आपको बता दें, इससे पहले 2004 में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि किसी वर्ग को प्राप्त कोटे के भीतर कोटे की अनुमति नहीं है, लिहाजा कोर्ट ने यह मामला आगे विचार के लिए 7 जजों की बेंच को भेजा है। अभी 5 जजों की राय यह है कि 2004 के फैसले को फिर से पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि दोनों मामलों में आज फैसला देने वाली ईवी चिनैया मामले में फैसला देने वाली संविधान पीठ में जजों की संख्या 5 है। लिहाजा संविधान पीठ ने अपनी राय रखते हुए माना है कि पुराने फैसले में दी गई व्यवस्था पर फिर से विचार की जरूरत है, लिहाजा मामले आगे बढ़ी बेंच यानी कि 7 जजों की बेंच को भेजने की बात कही गई है। इस मामले में सुनवाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी, जिसमें जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस कृष्ण मुरारी शामिल थे। दरअसल पंजाब सरकार ने साल 2006 में सी एस टी आरक्षण का आधा जातियों को देने यानी कि वाल्मीकि मजहबी को कानून बनाया था, पर 2004 में 5 जजों की बेंच कह चुकी है कि राज्यों को इसका हक नहीं है, कोर्ट के अंदर कोटा नहीं दिया जा सकता। ऐसे में आज 5 जजों की बेंच ने इस कानून को सही ठहराया है।